Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So children, today we are going to read a chapter named Who Did Patrick's Homework. So let's start the chapter. God help those who help themselves. So in order to excel, one has to work diligently the way Patrick worked. ठीक है बच्चों, बोला गया है कि भगवान उन्हीं की हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प करते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में बताया गया है कि पैट्रिक कैसे अपना होमवर्क खुद करता है. तो हम जानेंगे इस चैप्टर को पढ़ के. हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग. And it's true. Sometime he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. बच्चों, ये कहानी है, एक लड़का है पैट्रिक की, उसकी कहानी है. उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. वो होमवर्क करने के बजाय खेलना पसंद करता है अपनी चीज़ों के साथ, अपने टॉयज के साथ. ठीक है, लेकिन उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. उसके टीचर उसे इतना समझाते हैं, डांटते हैं कि भाई अपना होमवर्क कर लो, नहीं तो तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे. लेकिन उसके कान में जूं तक नहीं रेंगती, मतलब वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनियस्ट साइज. ही हैड अ लिटिल वूलन शर्ट एंड ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस. ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रोमिस यू दैट. ठीक है, तो एक बार बच्चों पैट्रिक खेल रहा होता है. ठीक है, अब वो देखता है कि उसकी बिल्ली के मुंह में एक टॉय है. वो उससे वो टॉय छीन लेता है, क्योंकि वो टॉय उसे अजीब लगता है, वो टॉय उसका तो नहीं होता. तो उससे छीनता है और उसे देखता है कि ये टॉय भाई किसका है. तो जब वो उसको अपने पास करीब ला कर देखता है तो देखता है ये कोई टॉय नहीं है, तो छोटा सा एक आदमी है. ठीक है, अब वो छोटा सा आदमी उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे इस बिल्ली से बचा लो, ये नहीं तो मुझे खा जाएगी. इसके बदले में तुम जो बोलोगे मैं वो काम करूँगा. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that is 35 days, if you do a good enough job, I could even get A's. ठीक है, अब वो उसको बोलता है कि तुम मेरा होमवर्क कर दो मेरे सेमेस्टर तक, जो कि कितने दिन का है, 35 दिन का है. ठीक है, तब तक तुम मेरे साथ रहो और मेरा होमवर्क करो. उसके बाद क्या होगा, एग्जाम होगा, उसमें मुझे क्या मिल जाएंगे, ग्रेड्स मिल जाएंगे. जैसे वो चाहता था ए, जैसे आपके स्कूल में होता है ना ए ग्रेड बी ग्रेड, वैसे वो चाहता है कि मुझे ए ग्रेड मिले. तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ रहो और मेरा होमवर्क करो जब तक मुझे ए ग्रेड नहीं मिल जाता. दैट लिटिल मैंस फेस रिंकल्ड लाइक अ डिसक्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड बर्स्ट हिज लिप्स. ओ एम आई कर्स बट आई डू इट. अब वो जो छोटा आदमी होता है वो बहुत सुन के हैरान हो जाता है कि होमवर्क करना है कैसे करूँगा, क्या करूँगा. वो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन वो सोचता है शायद मुझे इसी काम के लिए भेजा गया है. तो वो कहता है ठीक है मैं करूँगा. एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, एक्सेप्ट देर वॉज वन ग्लिच. द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. हेल्प मी ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे. ठीक है, अब उस छोटे आदमी ने हाँ तो बोल दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि भाई होमवर्क कैसे करते कैसे हो, तो किसी और ही दुनिया से आया था. ठीक है, तो उसे नहीं पता था भाई बच्चों का होमवर्क कैसे किया जाता. तो वो पैट्रिक से बोलता है कि तुम मेरी हेल्प करना होमवर्क करने में. आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विग्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. गेट मी अ डिक्शनरी, नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. ठीक है, अब वो उसका होमवर्क कर रहा होता है तो एक लेटर कोई वर्ड बीच में आया था जिसका मतलब उस छोटे आदमी को नहीं पता होता. ठीक है, तो पैट्रिक से बोलता है जाओ डिक्शनरी लेके आओ और इसका मीनिंग मुझे बताओ, और एक काम करो तो मुझे इसको स्पेल करके बताओ. जैसे अगर कोई BAT मान लो कुछ वर्ड है तो वो उसको बोलता है मुझे लेटर करके बताओ, BAT ऐसे करके तुम मुझे बताओ. When it came to maths, Patrick was out of luck. What are times table? The elf shrugged. We elves never need that. And addition and subtraction and division and fraction. Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. So the little elf already a
shouter just got louder. Go to the library. I need books, more and more books. And you can help me read them too. ठीक है, अब जैसे उसको मैथ्स का सम आता है, मैथ्स का कोई प्रैक्टिस कोई एक्सरसाइज आती है, तो वो उसको क्या कहता है, तुम मेरे साथ बैठो, मुझे नहीं पता टाइम टेबल क्या होता है, मुझे नहीं पता ये सम कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो वो पैट्रिक को कहता है कि तुम मेरे साथ बैठो, ठीक है, क्योंकि हम तो दूसरी दुनिया से आए, हम लोग तो पढ़ते नहीं है, वो ऐसे उनको बताता है, फिर वो हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस सब उससे बोलता है कि भाई तुम मेरे साथ बैठ के मेरे साथ हेल्प करवाओ, तभी मैं तुम्हारा होमवर्क कर पाऊंगा. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग पैट्रिक was working harder than ever. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. Patrick got his A's, his classmates were amazed, his teacher smiled and full of praise, and his parents. They wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. ठीक है, अब उसके जो पैट्रिक ने उसका क्या किया, उस हालांकि काम तो वो करता था, होमवर्क कौन करता था, एल्फ करता था, जो छोटा बोना आदमी था वो करता था, लेकिन उसकी हेल्प कौन करता था, पैट्रिक करता था. ठीक है, ऐसे करते करते उसका सारा काम पूरा हुआ और एग्जाम का दिन आया. ठीक है, अब उस छोटे आदमी को लगा कि भाई अब सारा दिन, मतलब जो 35 डेज का मेरा प्रॉमिस था वो पूरा हो गया, तो वो क्या किया, जैसे ही वो पूरा हुआ उसके ग्रेड मिल गया तो क्या हुआ, वो वहाँ से चला गया चुपके से. ठीक है, अब क्या हुआ, चला गया तो उसको, उसके एग्जाम हुए, उसको ए ग्रेड मिला, तो सारे उसके टीचर्स के पेरेंट्स बहुत खुश हुए और उसकी तारीफ करने लगे कि कैसे उसने अपने आप को इम्प्रूव किया. ही क्लीन्ड हिज रूम एंड did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. You see, in the end, Patrick still thought he would made that tiny man do all his homework. But I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. ठीक है, अब पैट्रिक जो क्या है वो सिंसियर हो गया, अपने सामान संभालने लगा, अपना होमवर्क टाइम पे करने लगा, अपनी चीज़ें संभाल के रखने लगा, अपना जो रूम था वो सेट करके रखने लगा. ठीक है, अब वो बहुत खुश था मनी मन कि उसने उस छोटे आदमी से अपना होमवर्क करवाया, लेकिन इसके पीछे एक सीक्रेट है. एक्चुअली उस छोटे आदमी ने उसका होमवर्क नहीं किया, उस पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद किया. उस छोटे आदमी को तो कुछ भी नहीं आता था, तो उसे गाइड किसने किया, पैट्रिक ने किया, तो एक तरह से पैट्रिक ने ही अपना होमवर्क किया. तो यही इसमें बताया गया है कि गॉड हेल्प करते हैं उनकी जो अपनी खुद की हेल्प करते हैं. ठीक है, इसका मॉरल क्या है, यही है कि गॉड उनकी हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प करते हैं. अगर आप खुद डिटरमाइंड हो अपना काम करने के लिए तो गॉड आपकी हेल्प जरूर करेंगे, यही इस स्टोरी के थ्रू बताया गया है. तो कैसी लगी स्टोरी, आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. अब इसका रिविजन आप खुद करो और इसकी एक्सरसाइज जो दी गई है उसकी प्रैक्टिस भी आप खुद से करो.